नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या वाकई राहुल गांधी की टीम ने अमेरिका में एक भारतीय पत्रकार की पिटाई की, जैसा कि पीएम मोदी ने दावा किया। पत्रकार की पिटाई वाली कहानी का एक एक फैक्ट आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के बयान में भी अपने आप में कितने झोल हैं। इसके अलावा पत्रकार ने जो कहानी बताई है उस पर कैसे सवाल खड़े होते हैं। पहले आपको सुनाते हैं पीएम मोदी का बयान। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी क्या दावा करते हैं, एक भारतीय पत्रकार की पिटाई का दावा करते हैं, क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। साथियों, ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले बच्चे, क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता। तो पीएम मोदी कश्मीर की रैली में इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं कि देखिए, अमेरिका में मोहब्बत की दुकान चलाने वालों ने एक भारतीय पत्रकार को पीटा, जो भारत का बेटा अमेरिका कवर करने गया था उसको पीटा गया, अखबार के एक रिपोर्टर को पीटा गया। तो पीएम मोदी का ये फैक्ट ही गलत है कि अखबार का रिपोर्टर था, टीवी के रिपोर्टर की बात है। पीएम मोदी ने आखिरकार किस अखबार में पढ़ा कि अखबार के रिपोर्टर को पीटा गया? शायद टीम ने ब्रीफ करने में गलती कर दी, या फिर टेलीप्रॉम्प्टर पर जो लिखा गया वो गलत लिखा गया। मामला अखबार के रिपोर्टर का नहीं है, टीवी के रिपोर्टर का है, इंडिया टुडे के रिपोर्टर का मामला है। तस्वीर में आपको दिखा देता हूं, ये रोहित शर्मा है, इंडिया टुडे के पत्रकार है, अमेरिका में ही रहते हैं, भारत से नहीं गए थे। रोहित शर्मा अमेरिका में रहते हैं और इंडिया टुडे के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। और इंडिया टुडे ने इस मामले में क्या जानकारी दी है उसमें ये फैक्ट मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां रहते हैं रोहित शर्मा। इस आर्टिकल के आखिर में जो खुद रोहित शर्मा ने लिखा है और अपने साथ जो कुछ हुआ उसकी आप बीती सुनाई है, उसमें आप ये आखिरी लाइन देख सकते हैं कि रोहित शर्मा एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं जो कि वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं, यानी अमेरिका में ही रहते हैं। और इसमें क्या कहानी बताई गई है और इतनी लेट आखिरकार ये कहानी क्यों बताई गई है और क्या वाकई पत्रकार की पिटाई हुई है? दोस्तों, जो कहानी रोहित शर्मा ने बताई है उसमें पिटाई का जिक्र नहीं है, मोबाइल छीनने का जिक्र है। और क्या कहानी है? रोहित शर्मा दावा करते हैं कि राहुल गांधी की टीम ने उनके साथ असोल्ट किया, दुर्व्यवहार किया, छीना झपटी की। और पूरा मामला क्या है, ये सैम पित्रोदा हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं। राहुल गांधी जब अमेरिका पहुंचने वाले थे, टेक्सास पहुंचने वाले थे, तो उससे पहले रोहित शर्मा सैम पित्रोदा का इंटरव्यू करने जाते हैं। रोहित शर्मा दावा करते हैं कि उनके विलाप पर इंटरव्यू का इंतजाम हुआ, सैम पित्रोदा इंटरव्यू करने के लिए राजी हो गए। शाम को 7:30 बजे रोहित शर्मा सैम पित्रोदा के विला पर पहुंचते हैं और दावा करते हैं कि वहां करीब 30 लोगों की टीम थी जिसमें राहुल गांधी के लोग शामिल थे। आगे रोहित शर्मा इस आर्टिकल में दावा करते हैं कि इंटरव्यू के दौरान क्या क्या होता है। इंडिया टुडे के रिपोर्टर रोहित शर्मा दावा करते हैं कि सैम पित्रोदा ने सारे सवालों का प्यार से जवाब दिया, लेकिन जैसे ही मैंने सवाल पूछा कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, क्या राहुल गांधी इस मुद्दे को अमेरिका के नेताओं के सामने उठाएंगे, तो इस सवाल को सुनकर आसपास जो पब्लिक थी, राहुल गांधी की टीम के जो लोग थे, वो गुस्सा हो गए, वो हंगामा करने लगे और मुझ पर सवाल उठाने लगे कि आखिरकार ये सवाल क्यों पूछा। हंगामा ज्यादा बढ़ जाता है और सैम पित्रोदा वहां से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें राहुल गांधी को रिसीव करने जाना था। सैम पित्रोदा के निकलने के बाद रोहित शर्मा इस आर्टिकल में कहते हैं कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो डरावने सपने की तरह था। रोहित शर्मा कहते हैं कि मेरा मोबाइल छीना गया, वीडियो डिलीट कराए गए, कि ये सवाल आपने ठीक नहीं किया, मैं समझाता रहा कि सवाल में कुछ गलत नहीं है, उसके बावजूद वीडियो डिलीट कर दिए गए, मेरा मोबाइल छीन लिया गया। रोहित शर्मा आगे कहते हैं कि कुछ लोग इस बात पर अड़े रहे कि इसका मोबाइल 4 दिन तक यहीं रखो, लेकिन मैं डिमांड करता रहा। रोहित शर्मा कहते हैं कि एक बार मेरे मन में आया कि 912 पर कॉल कर दूं, यानी पुलिस को बुलाने की बात होगी, लेकिन मेरा मोबाइल ही मेरे पास नहीं था,
उसके बाद मेरी डिमांड पर, लगातार डिमांड पर मोबाइल वापस कर दिया गया। रोहित शर्मा आगे कहते हैं कि बाहर निकलने के बाद जब मोबाइल मेरे पास आ गया तो मैंने सैम पित्रोदा को टेक्स्ट किया और पूरी कहानी बताई, तो सैम पित्रोदा ने कहा कि कोई बात नहीं, फिर से इंटरव्यू कर लेते हैं, जो कि दोबारा कभी नहीं हुआ। तो मामला क्या इंटरव्यू का था या फिर दुर्व्यवहार का था? अगर पिटाई हुई है तो फिर शिकायत करनी चाहिए थी। और रोहित शर्मा को आखिरकार एक हफ्ते का इंतजार क्यों था? 13 सितंबर को यह आर्टिकल लिखा गया है, 7 सितंबर को उनके साथ ये पूरी घटना हुई, उसके बाद भी राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे, रोहित शर्मा आखिरकार खामोश क्यों रहे? क्या उन्हें सैम पित्रोदा का इंटरव्यू चाहिए था या अपने लिए इंसाफ चाहिए था? अगर वाकई इतना बुरा काम किया गया है तो रोहित शर्मा ने अपने लिए पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? एक हफ्ते का इंतजार आखिरकार क्यों किया गया? इस पूरे आर्टिकल में रोहित शर्मा जब ये कहते हैं कि मैंने सैम पित्रोदा को बताया, उन्होंने कहा दोबारा इंटरव्यू कर लेंगे, और उसके बाद दोबारा वो इंटरव्यू कभी नहीं हुआ, इसका मतलब इंटरव्यू की बात को लेकर रोहित शर्मा राजी हो गए, तो ठीक है इंटरव्यू हो जाएगा, कोई बात नहीं, मामला रफा दफा। लेकिन इस पूरे आर्टिकल में भी कहीं ये नहीं लिखा गया कि मेरे ऊपर हाथ छोड़ा गया, मेरी पिटाई की गई, मोबाइल छीनने की बात जरूर है कि मोबाइल से रिकॉर्डिंग डिलीट कराई गई, लेकिन पिटाई शब्द का इस्तेमाल रोहित शर्मा ने भी इस पूरे आर्टिकल में नहीं किया है। लेकिन किसी भी पत्रकार से उसका कैमरा छीनना या मोबाइल छीनना भी गलत व्यवहार कहा जाएगा। लेकिन सैम पित्रोदा इसको लेकर क्या दावा करते हैं? राजदीप सरदेसाई जब इस पूरी घटना को लेकर सैम पित्रोदा से कल सवाल करते हैं कि आपके इंटरव्यू के बाद ऐसा ऐसा सीन हुआ तो क्या आप इसको लेकर कोई एक्शन लेंगे, तो सैम पित्रोदा दावा करते हैं कि राजी खुशी इंटरव्यू खत्म हो गया था, उसके बाद मुझे राहुल गांधी को रिसीव करने निकलना था तो मैं वहां से निकल गया, इस पूरी घटना की मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो रोहित शर्मा जो दावा करते हैं कि मैंने टेक्स्ट किया था इस पूरी घटना का सैम पित्रोदा को, या तो उन्हें वो टेक्स्ट सार्वजनिक करना चाहिए, जब आप आर्टिकल सार्वजनिक कर रहे हैं एक हफ्ते बाद तो फिर टेक्स्ट को भी सार्वजनिक करना चाहिए, जब सैम पित्रोदा दावा करते हैं कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है, या तो सैम पित्रोदा एक्सपोज होने चाहिए या फिर रिपोर्टर एक्सपोज हो जाएगा। रोहित शर्मा को साफ तौर पर सबूत दिखाने चाहिए, जो टेक्स्ट किया था सैम पित्रोदा को विला से बाहर निकलने के बाद, वो टेक्स्ट दिखाना चाहिए रोहित शर्मा को, क्योंकि अब देश के प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी की टीम ने एक पत्रकार की अमेरिका में पिटाई की। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि इंडिया टुडे के रिपोर्टर ने इस बात को आखिरकार 6-7 दिन तक क्यों छुपाए रखा? किस बात का इंतजार किया जा रहा था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।